ઉત્તરાખંડમાં છેલ્લા 3-4 દિવસથી ચાલી રહેલા રાજકીય ડ્રામાનો બુધવારે અંત આવ્યો. ઉત્તરાખંડને નવા મુખ્યમંત્રી મળી ચૂક્યા છે. તીરથે શપથ લઈને મુખ્યમંત્રી બની ચૂક્યા છે. પૌડી લોકસભા સીટથી સાંસદ અને આરએસએસના પ્રાંત પ્રચારક રહેલા તીરથસિંહ રાવતને રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી ચૂંટવામાં આવ્યા છે. દેહરાદૂનમાં થયેલી પાર્ટીના ધારાસભ્ય દળની બેઠકમાં તેમના નામ પર મુહર લાગી ગઈ છે. એક દિવસ પહેલા મુખ્યમંત્રી પદ પરથી રાજીનામું આપનાર ત્રિવેન્દ્રસિંહ રાવતે જ મીટિંગમાં તીરથસિંહના નામનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. પછીથી તેમણે જ તીરથના નામની પણ જાહેરાત કરી. तीरथजी मुख्यमंत्री के रूप में जो है निश्चित रूप से इन चुनौतियों आप लोगों को फिर दायित्व मिलेगा. देखिए ये सारी चीजें जो है केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और हर विधायक को जिस किसी को भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं समझती हूँ वो सभी सहर्ष स्वीकार करेंगे अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे. क्या कैबिनेट मंत्रियों की भी नामों की चर्चा हुई है? देखिए अभी कोई चर्चा नहीं हुई है. सभी कुछ जो है वो केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर है. केंद्रीय नेतृत्व जो निर्देश देंगे उसके अनुसार जो है आगे चाहे कैबिनेट का दायित्व है या अन्य दायित्व निर्वहन किया जाएगा. आज शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे. मंत्री जी नए सीएम मिल गए हैं, 10वें सीएम मिल गए हैं उत्तराखंड को, किस तरीके से देखते हैं काम? आप बहुत समय बचा नहीं है काम करने के लिए. बिल्कुल, जहां से तीरथ सिंह रावत जी का काम चालू हुआ था वहीं से आज तक इन कामों को बढ़ाने की जिम्मेवारी अब तीरथ सिंह रावत जी को दी गई है. और मैं उम्मीद करता हूं कि जो संगठन ने उन पर भरोसा किया है वह भरोसा कायम रहेगा, आम जनता का आशीर्वाद मिलेगा. हम निश्चित ही, हमारे यहाँ संगठन बड़ा होता है, हमारे यहाँ व्यक्ति बड़ा नहीं होता है. उसी परंपरा को कायम करते हुए संगठन ने जिम्मेवारी सौंपी है. मैं तीरथ जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जो एक साल का समय बचा ये भी और जो आने वाले 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं इनको शुभकामना देता हूँ. सर लगता है जो मंत्री पद खाली थे वो भी भर दिए जाएंगे? ये हमारे संगठन की जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं उनका काम है और वो जो निर्णय लेंगे बहुत अच्छा निर्णय लेंगे, हम उनकी शुभकामना देते हैं. ये थे हमारे साथ अरविंद पांडे जो कि शिक्षा मंत्री हैं. उनका कहना है कि तीरथ सिंह रावत के चेहरे पर अब 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा और उम्मीद है कि लगभग 10 महीने में वो बेहतर काम करके दिखाएंगे. देहरादून से सुभाष को और इंडिया.